अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं होम ड्रेस डिज़ाइनर ऐसे आते जी। आज की वीडियो में मैं चाक और दामन पे लेस लगाना सिखाऊंगी। तो जिस तरह हम पलटे के साथ लगाते हैं, तो हम कमीज़ के जो मार्जिन हमने छोड़ा होता है उसके साथ हम इनविजिबल लेस किस तरह लगा सकते हैं। ये शटल लेस है, बारीक है। आप चौड़ी लगाना चाहते हैं तो चौड़ी लगा लें, लेकिन बारीक लेस जो है ना वो चाक पर लगी हुई अच्छी लगती है। ये देखें, ये मैंने ये प्रेस कर लिया हुआ है। जितना मैंने मेरा मार्जिन है ना वो अंदर को फोल्ड करके, चाक जितने मैंने फोल्ड करने हैं कपड़ा, मैंने वो प्रेस करके उस पर क्रीज़ डाल लिया। आप चाहें तो चाक से निशान लगा लें, अगर आप क्रीज़ डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दामन पे भी नीचे जो घेरा हमने फोल्ड करना है उस पर भी हमने क्रीज़ डाल लेनी है, और डेढ़ इंच मार्जिन छोड़ेंगे दामन का भी और चाक का भी। ये ज़्यादा बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको मैंने काट के तो इसको बराबर कर लेना, इसकी हमने कर लेनी है कटिंग। ये हमारा दामन भी जो है ना वो चाक के बराबर हो गया है। अब हमने इसको लेस लगाना स्टार्ट करनी है। ये देखें, ये दामन है और इसको भी मैंने ऐसे प्रेस किया हुआ है। दोनों तरफ हमने क्रीज डाल लेनी है, ये आपने काम ज़रूर करना है, ठीक है। और अब हमने चाक से स्टार्ट करना है एक साइड से यहाँ से, और इसको लेस लगाना शुरू कर देनी है। लेस हमने रखनी है उल्टी, और उसकी जो है ना साइड किनारा जो है ना वो बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। तो जब हम इसको टर्न करेंगे, ये जो मार्जिन टर्न करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये सीधी हो जाएगी लेस। हमने इसको इस तरह करके ऊपर इसके फोल्ड करके कपड़ा रखना है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह लगाएं जिस तरह मैं लगा रही हूँ। आपने पहले लेस को इसके साथ अटैच करना है, फिर आपने कपड़ा फोल्ड करके, यानी ये दो सिलाइयों में, ये जो है ना तीन में बल्कि ये रेडी होगी, दो में ये इसको हम इस तरह लगाएंगे, तीसरी सिलाई हम इसको सीधा करके तो फिर लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपको ये कॉर्नर किस तरह बनाना है ये भी आपने ध्यान से देखना है। अभी देखें, अभी हमने इसको इसी तरह ही एज इट इज़ इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, मतलब टर्न कर लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा जो है ना कॉर्नर बनेगा। आपने टाइट वाला टर्न नहीं करना, कॉर्नर पर आके आपने थोड़ा सा इसको लेस को ना लूज छोड़ना है, तो आपका कॉर्नर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलें जी, देखते हैं लेस किस तरह लगाते हैं। तो ये हमने फटाफट से लेस लगा देनी है इस तरह, और अब हम आ गए कॉर्नर पे, और वीडियो मैंने कर दी है स्लो। और ये देखें, एक दफ़ा फिर आप देख के लें कॉर्नर किस तरह आपने लेस को टर्न करना है। बस इस तरह आपने पकड़ के तो मतलब टर्न कर देना है, कोई इसमें बल नहीं देना, जस्ट लाइट सा आपने यहाँ से लूज़ रखना है। तो ये हमारी एक साइड की लेस जो है ना वो लग जाएगी। एक साइड से चाक से शुरू करना है, दूसरी साइड पे आके ख़त्म कर देना है, और यहाँ पे हमने एंड करना है इसका, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे भी लगाएंगे, तो अब मैं एक साइड पे लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखें, अब ये हमारी लेस, ये देखो यहाँ से हमने कट कर देना है, ये जो कॉर्नर है ना ये हमने कट कर देना है। इसी तरह ये सारे कॉर्नर जो है ना वो हम इस तरह कट कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब हमने इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है। ये इस तरह मैं इसलिए लगाई है कि बिगनर्स जो है ना वो इसी तरह ही लगाएं, वो इस तरह लगाएंगे तो फिर वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो फिर आप जैसे मर्ज़ी लगाइएगा, एक ही सिलाई में भी ये लग जाती होती है, वो भी मैंने लगाना सिखाई हुई है। मेरी वीडियो, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हमने इस तरह इसका जो किनारा है ना लेस का वो छुपा देना है, और ये लेस सारी ना छुपे, बस इतना हमने फोल्ड करके ऊपर रखना है कि हमारा जो है ना ये किनारा छुपे और बाकी जो है ना वो इसकी साइड जो है ना वो नज़र आए लेस की। इस तरह जो लेस है ना वो बहुत अच्छी लगती है, लगी हुई बैक से ना नीचे वाली साइड से नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। गुम सिलाई में लेस लगाना इसे कहते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी जो है ना वो लेस नज़र आ रही है, और इसको हमने यहाँ नीचे, अब आपने कॉर्नर को देखना है अच्छे तरीके से, ध्यान से कि किस तरह बनाना है। कॉर्नर हमने इसी तरह ही इसको फोल्ड कर देना है, और इसकी फिनिशिंग होगी जब हम दूसरी दफ़ा टर्न करेंगे इसको, ठीक है। इसको इसी तरह ऐसे करके तो इसको फोल्ड कर दें यूं करके, ठीक है। ये वो मत ध्यान दें कि वो खुली वाली साइड है, वो जब हम अंदर को टर्न करेंगे
तो वो कवर होगा, वो भी आपने देखना है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती होती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करें, कोई स्किप अंदर से स्किप मत किया करें, बीच में से स्किप करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हमने सारी लेस इस तरह लगा लेनी है, और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये वाला जो पीस हम फोल्ड कर रहे हैं ये लूज़ ना हो, लूज़ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा तो फिर ये आपका जो है ना वो सही लगेगी नहीं। ये भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने रखना है। इसको हमने यहाँ से ही कवर करना है, यहाँ से यूँ पकड़ के इसको आपने नीचे की तरफ को नहीं रखना, ऊपर को थोड़ा सा ऊपर को खिसका के रखना है ताकि आपका ये पीस लूज़ ना हो, ये किनारा आपका लूज़ ना हो जो हम फोल्ड करके ऊपर रख रहे हैं। तो ये हमने स्टार्ट से ही इसको कॉर्नर से करना है, फिर हमने जब शुरू करना है तो स्टार्ट से ही इसको सही तरीके से जो है ना वो हमने फोल्ड करके ऊपर रखना है। जब हम लूज़ सा नीचे को ढलकता हुआ रखेंगे तो ये हमारा जो है ना ये लूज़ आएगा और हमें ये फ़ोल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये चीज़ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जब हम फोल्ड करके जब हम स्टार्ट करेंगे या हम जब कॉर्नर पे आएंगे तो इसको हम थोड़ा सा खिसका के ऊपर को रखेंगे, बाहर को निकाल के रखेंगे ताकि ये हमारा लूज़ ना हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो मैंने अभी जो है ना वो इसी तरह कर रही हूँ कि स्लो स्लो के आपको दिखें, आपको नज़र आए, पता चले मेरा ये जो मैं बना रही थी फोल्ड कर रही थी ज़रा भी ये लूज़ नहीं हुआ था, एक जगह से ज़रा सा हुआ था। तो इसको कवर करने में फिर ना मसला होता है, ये लूज़ लगी हुई हो ना तो ये अच्छी नहीं लगती, फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी, तो लग तो जाएगी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये कॉर्नर जो है ना वो हमने ऐसे करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये हमने यहाँ से तिरछी सी सिलाई लगा देनी है, कॉर्नर को यूँ फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करके फोल्ड हमने करना है सीधी साइड को, ठीक है, उल्टी साइड पे सिलाई लगानी है ताकि ये हमारी सिलाई जो है ना वो उल्टी साइड पे आए। इस तरह करके इसको हमने सीधा कर लेना है, यूँ करके देखें बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर बन गया है। मैं एक दफ़ा और आपको दिखा दूंगी, ये देखो यहाँ से ये ऐसे आएगा अंदर की साइड से, ठीक है। तो मैं ये दूसरा कॉर्नर भी बना के दिखा देती हूँ। इसको हमने यूँ पकड़ना है और यहाँ से ये देखें बिल्कुल कॉर्नर से हमने इसको फोल्ड करना है ऐसे करके, और इसकी सिलाई जो है ना वो हमने ये काट दें फालतू पीस, ठीक है। तो यहाँ से यूँ करके सिलाई लगा देंगे, ये देखिएगा यहाँ से। मैंने कहा मैं आपको स्लो करके ज़रा, ये कॉर्नर ही की तो होती है बात, इसमें जो होता है सीखने वाला वो कॉर्नर बनाना ही होता है, कॉर्नर ही बहुत सारे लोगों से बनता नहीं है सही तरीके से। तो ये देखें ये हमने स्टिच कर लिया और अब हमने इसको यूँ सीधा कर लेना है, और ये देखें हमारा बहुत ही प्यारा कॉर्नर जो है ना वो रेडी हो गया है, ये यूँ आएगा, ठीक है। और झोल भी नहीं है, आपने ये सिलाई सही तरह से लगानी है ताकि झोल ना आए, ठीक है। अगर सही नहीं लगी तो खोल के फिर से लगाएं ताकि आपको आपका कॉर्नर सही तरह से बन जाए। अब हमने यहाँ से इसको फोल्ड करके, तो ये अब ये आसान हो गया काम, हमने नेवा सिलाई लगानी है इसके ऊपर, इसमें नहीं हमने कुछ भी देखना, बस आपको सीधी सिलाई लगानी आनी चाहिए, ठीक है। फटाफट से हम सिलाई लगा देंगे, ये देखें बहुत ही अच्छी लेस हमारी जो है ना वो लग गई है। धागे शागे आपने साथ साथ काटते जाना है, ये असूल होते हैं स्टिचिंग के, नहीं तो धागे बहुत अजीब लगते हैं। तो ये देखो जी ये हमारे कॉर्नर कितने प्यारे कॉर्नर बने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी लेस जो है ना ये इसकी ये फिनिशिंग है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है इसकी। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखें साइड हमारी कितनी अच्छी आई है, आपने इसको इस तरह सिलाई लगानी है, ठीक है। ये यूँ रख के सिलाई लगाएंगे ताकि ये बाहर को भी ना निकले, ये सिलाई बड़े अच्छे तरीके से लगाते हैं और यूँ करके इसको सी देते हैं, ठीक है, ताकि ये खुल जाए। ये देखो ये जब खुल जाएगी तो ये आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए मैंने हर चीज़ आपको समझा दी है और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये सारे कॉर्नर देख लें, कोई झोल वोल नहीं है। तो ये देखें जी आप भी इसी तरह लेस लगाया करें जो आपने कमीज़ों पे, मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हैं और तरीके से भी पलटे के साथ भी। तो अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो वो आप जाके देख लें। तो ये दोनों तरफ से जो है ना हमारी साइड की सिलाई बहुत बेहतरीन आनी चाहिए।
एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो मैंने पहले बताई थी कि आपने जब लेस लगानी है तो इसको इस्त्री के साथ आपने इस पे निशान लगा लेने हैं। इससे आपका दोनों साइडें चारों साइडें आपकी बराबर आएंगी। ये देखें हर साइड बराबर है, कोई मसला नहीं है, किसी में कोई बड़ी छोटी नहीं है। ये देखें दामन और साइडें सब बराबर हैं, ठीक है। लेस जब लग जाती है तो ये खींच के भी लंबी नहीं होती हैं। तो अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।